दोस्तों, सूरज हमारे पृथ्वी और हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, जो हमारे सोलर सिस्टम के एकदम बीचों बीच है। सारे प्लैनेट को ये कंट्रोल करता है और हमारी लाइफ को भी। हम सूरज को पूजते भी हैं। सूरज के एनर्जी और हीट के बिना लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। लेकिन सूरज अपने आप में ही बहुत सारे रहस्यों को छुपाया है, जिनमें से कुछ तो खतरनाक भी हैं और साइंटिस्ट इससे बहुत ही चिंतित हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसे ही कुछ रहस्यमय बातों को, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सोलर फ्लेयर्स। दोस्तों, सोलर फ्लेयर्स बहुत बड़े और तेज विस्फोट हैं जो सूरज की सरफेस से बाहर की तरफ को निकलती है और वास्तव में हमारे सौर मंडल में होने वाली कुछ सबसे बड़ी विस्फोटक घटनाओं में से एक है। और इनके वजह से बहुत सारी मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो सूरज से रिलीज होती है। लेकिन एक सवाल, क्या ये सोलर फ्लेयर्स हमारी पृथ्वी को स्वाभाविक रूप से नुकसान पहुंचा सकती है या फिर हमारी पृथ्वी को नष्ट कर सकती है? इसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि नासा के मुताबिक ये हमारी पृथ्वी को नष्ट तो नहीं कर सकती, लेकिन हमारे जो ऊपरी एटमॉस्फेयर है उसको थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि इतने दूर से ये हमारे एटमॉस्फेयर को भी इतना नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन ये हमारी उपग्रहों यानी हमारे सैटेलाइट, GPS सैटेलाइट और ऐसी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कुछ गड़बड़ी कर सकती है, ये उनको थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। देखा जाए तो ये हमारे पृथ्वी पर एक महंगी गड़बड़ी पैदा कर सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये हमारे ज़मीन पर रहने वाले इंसानों के लिए हानिकारक होगी। अमेजिंग, राइट? नंबर 2, कोरोनल मास इजेक्शंस। दोस्तों, दरअसल कोरोनल मास इजेक्शन एक एक्सप्लोजन है, यानी एक विस्फोट है प्लाज्मा के बड़े बड़े बादल जो सूरज से बाहर की तरफ को निकलते हैं, और जिस भी दिशा में ये निकलते हैं ये उसी दिशा में आगे की ओर बढ़ते जाते हैं जो सोलर विंड की मदद से, और इनको रोकना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, ये इजेक्शन अपने साथ लाखों बिलियन टन मेटल को रिलीज करता है और ये तब तक एक्सेलरेट करता है जब तक कि इनकी स्पीड अपने ही मिलियन मील पर आवर की स्पीड से ही क्यों ना चले, है ना बहुत भयानक। फिर से वही क्वेश्चन, क्या यह हमारी पृथ्वी को नष्ट कर सकता है? तो राहत की बात है, नहीं। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक यह ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये हमारी बढ़ती टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च पर ये मुश्किलें पैदा कर सकती है। नंबर 4, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स। दोस्तों, दरअसल इतिहास में 1859 को सबसे बड़ा सोलर स्टॉर्म जो है अभी तक हमारे इतिहास में साइंटिस्ट द्वारा रिकॉर्ड कर दिया गया है, जिसने हमारे अर्थ को बहुत ही डिस्टर्ब किया था। जियो मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस हमारे अर्थ में पैदा किया था और ये इतनी खतरनाक थी कि जो नॉर्थन लाइट्स हैं उसको होनोलुलु और साउथर्न लाइट्स को चाइल में देखा गया था, और इस इवेंट का नाम रखा गया कैरिंगटन इवेंट, और इसको मेगा फ्लेयर इसने क्रिएट किया था। दोस्तों, अरोरा बोरालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस ये दरअसल सोलर विंड से होता है और ये हम अपने नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। उस समय इतने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स नहीं थे, लेकिन जो टेलीग्राफ थे उसमें कभी कभी जो है स्पार्क्स यानी चिंगारियां हो जाती थी और कभी कभी उसमें आग भी लग जाती थी। दोस्तों, रिसर्चर्स के मुताबिक अगर ये जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स अभी आए तो ये हमारी लाइफ को बहुत ही डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हमारे पास बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और ये बहुत सारी हमारे पास टेक्नोलॉजी है। लेकिन अगर ये जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आए तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो करीब 1000 साल तक रुक सकती है। बहुत भयानक है। ये तूफान बहुत हल्के होते हैं लेकिन बहुत डरावने भी होते हैं। नंबर 3, कोरोनल होल्स।
दोस्तों, इतने देर से आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कोरोना सूरज पे क्या कर रहा है, लेकिन कोरोना दरअसल सूरज का ही एक हिस्सा है। तो वापस आते हैं अपने सूरज पे और बात करते हैं कोरोनल होल्स के बारे में। दोस्तों, दरअसल ये कोरोनल होल्स सूरज पे कहीं भी और किसी भी समय बन सकते हैं। आमतौर पर इसकी सतह पर जो अंधेरे क्षेत्र होते हैं उनके रूप में ये दिखाई देते हैं, और ये डार्क इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये ठंडे होते हैं और इनमें यूनिपोलर मैग्नेटिक फील्ड होता है। दोस्तों, साइंटिस्ट के मुताबिक ये इतने सीरियस और इतने डायरेक्ट डेंजर तो ह्यूमंस के लिए नहीं है, लेकिन ये हमारे सैटेलाइट, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और हमारे जो एस्ट्रोनॉट हैं उनके लिए ये थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और दोस्तों, ये इंसानों के लिए तब मुश्किल हो सकता है जब ये स्पेस में गए हों। जो एस्ट्रोनॉट है, अगर ये स्पेस में गए हों और अगर ये सोलर विंड इनसे टकरा गया तो इनके क्रोमोसोम में बहुत ही तकलीफ हो सकती है और इनको कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो सकती है। और अगर ये सोलर विंड्स हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर तक पहुंच गई तो ये हमारे पृथ्वी को एक ही समय में कई दिनों तक प्रभावित कर सकती है, जिसके कारण हमारे जो अर्थ है उसमें जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आ सकते हैं। आप सोच सकते हैं कितनी भयानक है। दोस्तों, कैसी लगी आपको सूरज की इन बातों को जानकर? अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही मज़ेदार चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।